चुनाव हो रहा है। वो तो एक तरफा चुनाव है, जनता ने ठान दी है कि भाजपा को भगाना है और सपा की सरकार आनी है, अखिलेश जी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। विश्वास क्या अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री? 10 मार्च के बाद बदल जाएगी प्रदेश की सियासी हवा। क्या बीजेपी के खिलाफ जनता ने लड़ा चुनाव? तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी से बीजेपी को लगेगी मिर्ची। उत्तर प्रदेश में चुनावी शोर शांत हो गया है, सातों चरण के मतदान भी खत्म हो गए हैं और इंतजार है 10 मार्च का, जब ईवीएम का पिटारा खोलेगा और ये पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है। लेकिन इसी बीच राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी बदस्तूर जारी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने मतगणना से पहले ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिससे बीजेपी को जरूर मिर्ची लगेगी। तेजस्वी यादव ने मतगणना से पहले ऐलान कर दिया कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। दरअसल उनके दावे अपनी जगह हैं, लेकिन कहते हैं कि प्रदेश की सियासी हवा का रुख किस ओर बह रहा है ये जनता के मूड को देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है। और जिस प्रकार से जनता चुनाव लड़ रही है, आईना दिखा रही है लगातार भाजपा के नेताओं को, जो भाजपा में नेताओं में जो परेशानी है, जो चिंता है, ये साबित करता है कि वहाँ जो चुनाव जो है समाजवादी पार्टी की। और शायद तेजस्वी यादव ने भी जनता के मूड को अच्छी तरह से भांप लिया है। यही वजह है कि वो न सिर्फ अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इस बार का हुआ चुनाव अब तक के हुए सारे चुनाव से अलग है, क्योंकि इस बार जनता खुद बीजेपी को हराने के लिए वोट दे रही थी। अब इसे तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी कहे या फिर जनता के नब्ज को पकड़ने की कला, कि उन्हें भी एहसास हो गया कि सूबे की जनता ने इस बार बदलाव का मन बना लिया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर तेजस्वी यादव ऐसी भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं? क्या उनके दावों में दम है? तो इसका जवाब अखिलेश के प्रति जनता का भरोसा और विश्वास है, जो उनकी रैलियों में साफ तौर पर देखी जा सकती थी। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक कमोवेश तमाम फेज में एक बात जो साफ तौर पर देखी गई कि जनता इस बार खुद बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रही है। बहरहाल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, ये तो 10 मार्च को नतीजे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से अधिकारियों के घरों के बोर्ड के रंग बदले जा रहे हैं और जिस तरह से अधिकारियों में अखिलेश से मिलने की आपाधापी लगी हुई है, उससे कहीं ना कहीं ये इशारा मिल रहा है कि प्रदेश में बदलाव की लहर चल चुकी है और ये लहर 10 मार्च को सुनामी बनकर प्रदेश की बीजेपी सरकार को बहा ले जाने के लिए तैयार है।